ये क्वेश्चन है 2017 नीट पूछा हुआ, ठीक। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्चुअली क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं था, टाइम पे बेस्ड था। उसका कहना था कि एक स्टॉल्ड एस्केलेटर है, मतलब चलने वाली सीढ़ी जो होती है जो शॉपिंग मॉल में देखे होगे, ठीक है, वो स्थिर है, गतिशील नहीं है, और उसके ऊपर एक आदमी ऊपर चढ़ना चाहता है और वो T1 टाइम में ऊपर तक चढ़ जाता है एक पर्टिकुलर स्पीड से। अब दूसरी बार बोलता है कि यदि खड़ा बन रहे और वो एस्केलेटर चलते रहे तो उसको ऊपर तक पहुंचने में T2 टाइम लगता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरे टाइम में, तीसरी कंडीशन में, जब वो चले भी और वो एस्केलेटर भी ऊपर चले तो अब उसको कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में। आंसर जो गिवन थे वो थे T1 T2 upon T1 minus T2, T1 plus T2, T1 minus T2 और T1 T2 upon T1 plus T2। ये चार ऑप्शन गिवन थे, ये आया था 2017 नीट में। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए पहले अपन दो अलग अलग केसेस कंडीशन लेंगे। जब स्टॉल्ड स्केटर है उसको चलना तो ऐसी डिस्टेंस है, तो उस एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में T1 टाइम लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस आदमी की, एस अपॉन T1। सेकेंड केस, जब वो स्थिर खड़ा है और एस्केलेटर मूव कर रहा है तब एस्केलेटर को कितना टाइम लग रहा है ऊपर तक पहुंचने में, T2। तब एस्केलेटर की स्पीड कितनी हुई, एस अपॉन T2। थर्ड केस, जब दोनों के दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, यानी वो भी दौड़ लगा रहा है और एस्केलेटर भी चल रहा है, तो अब उसकी स्पीड, जो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और वो कितनी जाएगी, वी मैन प्लस वी एस्केलेटर, और माना अब टी टाइम लग रहा है उतनी स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो एस अपॉन टी हो जाएगा। ना वी मैन और वी एस्केलेटर की यहाँ से अपन वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, एस कैंसल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द आंसर T1 T2 upon T1 plus T2। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2017 नीट में। सिमिलर क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ था और वो ये था, अ पर्सन वॉक्स अप द स्टार्ड एस्केलेटर इन 90 seconds, यानी उसने अब टाइम दे दिया था अपने को T1 90। व्हेन स्टैंडिंग ऑन ए मूविंग एस्केलेटर ही इज कैरीड अप इन 60 seconds, यानी ये वाला टाइम दे दिया था 60 सेकेंड। तो उसने पूछा था हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, यानी ये वाली कंडीशन में पूछा था उसने टाइम कितना लगेगा। तो 90 और 60 दिया है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, 36 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब चेंज क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, अगली बार आप पूछ सकता है कि वो ऊपर से नीचे आना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू कम डाउन रनिंग ऑन द स्केलेटर व्हेन द स्केलेटर इज मूविंग अप, ऐसा करना नहीं, गिर जाओगे, ठीक है, लेकिन ये पूछ लिया तो कैसे सॉल्व करना है। तो उस समय वी मैन, यदि वो नीचे पहुंचता है तभी पहुंच सकता है जब उसकी स्पीड ज़्यादा हो एस्केलेटर से, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। तो वी मैन माइनस वी एस्केलेटर इज इक्वल टू एस अपॉन टी ले लेंगे इस समय, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे वी मैन और वी एस्केलेटर की, सिंप्लीफाई करेंगे, नाउ ही विल रिक्वायर मोर टाइम, इट विल बी T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, बट सर्टेनली T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, यानी इफ स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज मोर देन स्पीड ऑफ मैन ही विल नॉट बी एबल टू रीच टू द ग्राउंड। यदि किसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, एस्केलेटर की स्पीड ज़्यादा हो गई और मैन की कम, तो नीचे पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बार बार ऊपर की तरफ खींचते जाएगा उसको। लेकिन यदि स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज लेस देन स्पीड ऑफ मैन देन ही विल रीच, ही विल टेक टाइम दिस T1 T2 upon T2 minus T1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, हो सकता है वो ये वाली केस दे दे और एक आंसर में लिखे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपको टाइम T इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो भी लिखे हो तो वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस केस अगली बार पूछ सकता है, श्योर क्लियर हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।